हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस इज दीपिका और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंफर्ट आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सो प्रिंसिपल्स ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं जैसे कि वॉट इज़ द हरार के प्रिंसिपल व्हाट इज़ द स्पैन ऑफ कंट्रोल देन यूनिटी ऑफ कमांड क्या है तो ये सारे प्रिंसिपल्स को वन बाई वन हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए इन कंसेप्ट की तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक पेन और पेपर लेकर बैठो जिससे कि आप कीवर्ड्स को नोट करते जाएं और आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपनी अपने आंसर कॉपी में वो भी आप सीखते चलो सो so, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि जब आप अपने आंसर लिखोगे तो डायग्राम ज़रूर ये क्रिएट करना अगर जितना भी आपसे पॉसिबल हो हो पाए तो जैसे कि जो आपकी कॉपी इवालुएट कर रहा होगा उसे क्रिस्टल क्लैरिटी रहेगी कि नहीं हाँ आपको कॉन्सेप्ट आता था और इसे आप उन्हें फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू रिप्रजेंट किया है तो ये मेरे आपको सजेशन रहेगा तो फर्दर चलते हैं तो हाँ ऑर्गेनाइजेशन एक कोई भी मतलब सेटअप हो गया जहाँ पे स्टाफ हो जाता है जिसके कुछ गोल्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें अचीव करना होता है राइट right? इसके लिए प्लानिंग होगा लोगों का रिक्रूटमेंट होगा तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स लागू किए जाते हैं या प्रिंसिपल्स एडॉप्ट किए जाते हैं क्यों ज़रूरी होते हैं ये प्रिंसिपल्स ताकि आप ग्रेटर एफ़िसंसी उस ऑर्गेनाइजेशन की अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स कर सकें मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स को भी रोका जा सके इसके साथ ही टेक राइट डिसीज़न एट द राइट टाइम सही समय पे सही डिसीजंस लिए जा सकें ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए थे जो गोल्स सेट किए गए थे उस ऑर्गेनाइजेशन के उसे अचीव किया जा सके कि टाइमली राइट सो तो इन सब के लिए ज़रूरी होता है कि किस कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए राइट तो कि हु विल बी द सुपरवाइज़र ऑर्डर कौन देगा इंस्ट्रक्शंस कौन देगा हमें किसे रिपोर्ट करना होगा हम किसके लिए अकाउंटेबल होंगे ये सारी चीज़ें तो वन बाई वन समझते हैं कि, कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है स्ट्रक्चर है राइट right, जिसमें हम देखेंगे कि ये हरारकी क्या है यूनिटी ऑफ कमांड क्या है स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है ये हरारकी में ही ये सब चीज़ें आएंगी तो ये जो हम प्रिंसिपल्स मेंशन है आपके सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगी जो कमांड एंड कंट्रोल होगा उसका सेटअप किस तरीके से होगा तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हरारकी है पहले मिनिस्टर होगा आपका फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा देन सेक्रेटरीज होंगे देन वेरियस नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे वो होंगे so, right, तो दिस इज़ दी हैरारकी राइट तो हैरारकी को डिटेल में समझते हैं यहाँ पर तो हैरारकी बेसिकली क्या है एक तरीके सा एक मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर ये देखा जाता है कि जो सुपरविजन ऑफ द लोअर ऑफिसर्स है दैट इज़ बाई दी हायर वन राइट हेरा जो कमांड एंड कंट्रोल है लोअर ऑफिसर्स का वो किसके द्वारा दिया जा रहा है हायर ऑफिसर्स के द्वारा तो हैरारकी का जो ये रूल एंड कंट्रोल है दैट उसका क्या है हायर लेवल से लोअर लेवल तक होता है जो रूल एंड कमांड होता है तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो अगर तो देख रहे हो ना पहले बोर्ड मेंबर्स होते हैं देन प्रेसिडेंट होते हैं देन वाइस प्रेसिडेंट फिर डिपार्टमेंटल हेड हो सकते हैं फिर सुपरवाइजर्स होंगे फिर एम्प्लॉयज़ होंगे सो दिस इज़ दी और जो ऑर्डर दिया जाएगा वो ऊपर से नीचे ऑर्डर देगा मतलब बोर्ड मेंबर किसको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देंगे प्रेसिडेंट को देंगे फिर प्रेसिडेंट की मीनि मीटिंग होगी तो प्रेसिडेंट किसको ऑर्डर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को ये उल्टा नहीं चलेगा कभी भी ये ध्यान रखना है हैरारकी का यही मतलब है और जो प्रेसिडेंट होंगे ये किसे रिपोर्ट करेंगे किसके लिए अकाउंटेबल होंगे बोर्ड मेम्बर के प्रति तो ये हैरारकी चलती है पूरी डिसीजंस बोर्ड मेंबर्स लेंगे देन उसको नीचे कम्युनिकेट किया जाएगा देन प्रेसिडेंट उस डिसीजन को फर्दर वाइस प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे सो दिस इज़ द प्रॉपर चैनल सो एवरीथिंग चाहे वो डिसीजंस हो चाहे वो रूल हो चाहे कमांड एंड कंट्रोल हो दैट गो थ्रू द प्रॉपर चैनल और इस चैनल को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और आपको पता है कि ये कमांड एंड कंट्रोल किस तरीके से चल रहा है टॉप टू बॉटम चल रहा है राइट right? तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन है इसे हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे या हेरारिकल प्रिंसिपल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इसमें ध्यान रखना है आपको एक चीज कि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू ही चीज़ें चलेंगी उन्हें ब्रेक नहीं हो सकता ऐसा नहीं होगा कि जो ये डिपार्टमेंटल हेड हैं ये डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करें या बोर्ड को कम्युनिकेट करेंगे जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो, वो वाइस प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे पहले ओके इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो इस पिक्चर के थ्रू क्लियर होगा कि दिस इज़ बॉस और इस बॉस के अंडर में तीन सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं तो ये सेकेंड लेवल के बॉस हो गए और इन सेकेंड लेवल के बॉस के सुपरविजन में फर्दर थ्री थ्री एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सो दिस इज़ दी हेरारकी अब ऐसा नहीं है कि ये इम्प्लॉय सीधे बॉस के पास चले गए ओके सो ये चैनल ब्रेक नहीं होगा सो दिस इज़ दी हेरारकी ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन अब इसके कुछ अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं इसे एक बार समझ लेते हैं एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके एडवांटेज ये हैं कि ये एक प्रॉपर फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल रहता है जहाँ पर इंटीग्रेशन एंड कोहोरेंस रहता है इंटीग्रेशन एंड कोहरेंस का मतलब ये है कि हर किसी को पता है कि हमें किसे रिपोर्ट करना है राइट right? जैसे ये ये जो इम्प्लॉयज़ मान लीजिए थर्ड लेवल इम्प्लॉयज़ हैं इन्हें पता है कि हमें अपने बॉस ए को करना है ये जो इम्प्लॉयज़ हैं इन्हें पता है कि हमें बॉस बी को रिपोर्ट करना है इन्हें पता है कि हमें सी बॉस को रिपोर्ट करना है कम्युनिकेट करना है इन्फॉर्म करना है राइट right? तो प्रॉपर इंटीग्रेशन एंड कोहरेंस रहता है इसके बाद से हर किसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का असाइनमेंट होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर हेयर हर आर्की में सो so हर किसी को अपने लेवल के हिसाब से पता है कि उनकी जो जो डिसीज़न मेकिंग जरोडिक्शन है वो क्या है या जो उनको जो ऑपरेशन या वर्क करने का कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जीरोडिक्शन है वो क्या हैं ये इसकी क्लैरिटी रहती है तो इससे क्या होता है वो मिक्सअप हौस पोस क्रिएट नहीं होता है मतलब एक तरीके का चीज़ें क्लैरिटी के साथ चलती हैं तो आप बेटर अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाते हो राइट कि जैसे होता है ना कि अच्छा है, आ, आ, इस इस मैटर पर डिसीजन किसने लिया तो पता चलेगा कि इन जैसे मान लीजिए ये टेक्निकल टीम है एंड दिस इज़ द एकेडमिक टीम अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी एक कोचिंग इंस्टिट्यूशन है कोई ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं आपको बेटर समझ में आएगा तो यूनिवर्सिटी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना तो वहाँ पर भी तो ऐसे ही काम होगा सो so पहले क्या होगा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये वी हो गए फिर ये डिपार्टमेंटल हेड हो गए राइट right? जो वेरियस डिप चाहे हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हो गए राइट right? वो हो गए फिर ये नीचे हमारे आ, प्रोफेसर्स हो गए चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स हो गए राइट right? तो अब ये हरारकी है तो पता रहेगा ना कि किसे किसका डिसीजंस क्या है हर किसी के जुरिडिक्शंस पता है डिवीज़न ऑफ लेबर पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जो ये प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं ये बिना एच को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट वी के पास जाएंगे नहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्या रहेगा कि ये जो प्रोफेसर्स हैं जो टीचर्स जो फैकल्टी रहेगी डिपार्टमेंट के वो पहले किसको कम्युनिकेट करेंगे हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट को देन हेड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट फर्दर फॉरवर्ड करेगा उसे वी के पास में सो होप यू गॉट दी हेरारकी विथ दिस एग्जाम्पल ओके सो फर्दर चलते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं रेजिडिटी राइट right? बहुत ही रिजिड होता है बहुत ही फॉर्मल इन नेचर होता है ये कम्युनिकेशन चैनल राइट right? ऊपर से डिले ऑफ़ द डिस्पोजल ऑफ द वर्क है फॉर एग्जांपल दीज जो प्रोफेसर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इन्हें कोई डिसीज़न लेना है तो पहले ये फॉरवर्ड करेंगे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को देन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जाएगा वी के पास में तो इस तरीके से आप देखोगे कि डिले होगा जो डिस्पोजल ऑफ द वर्क कोई भी काम कराना हो या कोई बिल पास करना है या कोई डिसीज़न में मान लीजिए साइन कराना है किसी लेटर में तो इस चैनल के थ्रू जाने पे क्या है चीज़ें डिले होती हैं रजिडिटी है, है यहाँ पर फिर इसके बाद से रेड टेपिज्म का होना मतलब करप्शन का होना रेड टेपिज़्म स्टैंड फॉर दी करप्शन बेसिकली तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बोले कि नहीं पहले मुझे कुछ आप दें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो करप्ट पर्सन है तो कहेगा ना कि आप पहले मुझे आ, कुछ कैश दो या कुछ कुछ भी दो तभी मैं आपके बिल पास करवाऊँगा वी से साइन कराऊँगा सो जनरली गवर्नमेंट ऑफिस में ये होता है राइट चाहे वो ज़्यादातर जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप देख लो आरटीओ ऑफिस हो गई एसडीएम ऑफिस डीएम ऑफिस तो यहाँ पर चीज़ें होती ना जो क्लर्क है वो पैसे लेता है वो कहेगा कि हम जो डीएम या एसडीएम तक फाइल तभी रखवाएंगे जब आप हमें कुछ पैसे दोगे आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाओ राइट चाहे वो वोटर आईडी बनवाने जाओ चाहे वो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ पासपोर्ट बनवाने जाओ एक तो कई बार बहुत सारे लोगों ने मतलब इस चीज़ को फेस किया हो शायद कि हाँ उन्हें पैसे देने पड़े थे तब उनका डीएल बना था उन्हें पैसे देने पड़े थे तब उनकी वोटर आईडी बनी थी तो इस तरीके से ये करप्शन को बढ़ावा देता है ओके देन इल फीलिंग ऑफ द सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट्स तो इस तरीके से जो बॉस कल्चर आ जाता है ना कि आई एम द बॉस राइट तो इस तरीके से ये सुपीरियर मैं सबॉर्डिनेट हूँ तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो मेरे इंस्ट्रक्शंस में काम करो राइट right? इस तरीके का जो नेगेटिव वर्क कल्चर क्रिएट होता है सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज इसके बाद से दूसरा प्रिंसिपल आता है स्पेन ऑफ कंट्रोल सो स्पेन ऑफ कंट्रोल में आप देखेंगे कि इसमें ये स्पेन ऑफ कंट्रोल वो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर नंबर ऑफ सब मतलब एक बॉस के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट रहेंगे ये डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल राइट तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं अभी हम ये सारे फैक्टर्स देखते हैं पहले स्पेन ऑफ कंट्रोल को और क्लियर कर लेते हैं तो स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब समझ गए कि एक बॉस के अंडर में या एक जो बॉस रहेगा या जो सुपीरियर रहेगा उसके अंडर में कितने सबॉर्डिनेट वर्क करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि पर्सन ए ये बॉस है इसके अंडर में कितने कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वन टू थ्री थ्री काम कर रहे हैं फिर ये सेकेंड लेवल का बॉस है और इसके अंडर में कितने पर्सन सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं तीन सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं तो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक पर्सन के कंट्रोल में सुपरविजन में कितने सबॉर्डिनेट हैं ओके गॉट इट ना सो हाउ मेनी पीपल शुड वर्क अंडर हिज और कंट्रोल ओके सो दिस इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल तो अब जो एक्सपर्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उनके ये मानना है कि जितना शॉर्ट होगा ना ये स्पै ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है अगर ये शॉर्ट होगा तो जो जो कंट्रोल है जो सुपरविज़न है वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा तो फॉर एग्जांपल जो ये पर्सन ए ये पर्सन बी है इसके अंडर में अगर ये दो पर्सन होते दो सबऑर्डिनेट होते तो शायद ये बी जो सेकेंड लेवल का बॉस है ये बेटर सुपरविज़न रख पाता बेटर सुपरवाइज कर पाता बट अभी तीन है तो थोड़ा सी डिफ़िकल्टी आ रही है ओके तो नैरो स्पैन स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जब नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट किसी बॉस के अंडर में कम होगा तो जैसे यहाँ पर कितने हैं दो है राइट right? और यहाँ इसके इसमें तीन है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल जब नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट किसी बॉस में बहुत ज़्यादा होंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कितने हैं आपके नाइन ओके okay? तो इस तरीके से ये हो गया नैरो एंड ब्रॉड अब डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या साइज़ क्या होना चाहिए जैसे उर्वे हैं वो कहते हैं कि फ़ाइव होने चाहिए हेमल्टन है वो कहते हैं सिक्स होना चाहिए जेसी वर्दी है उनका मानना है ट्वेंटी होने चाहिए जो डले हैं वो कहते हैं सिक्सटीन होने चाहिए तो इट इज़ नॉट फिक्सड इट डिपेंड्स ऑन दी मल्टीपल फैक्टर्स व्हाट आर दीज फैक्टर्स सो जैसे नेचर ऑफ दी वर्क सो so, जो वर्क है उसका नेचर क्या है अगर वो रूटीन एंड होमोजेनस नेचर है तब तो ठीक है कि आप बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को एक साथ में सुपरवाइज किया जा सकता है बट अगर आपके सबऑर्डिनेट्स वैरायटी ऑफ ऑपरेशन डील कर रहे हैं राइट फॉर एग्जांपल इसमें देखें अगर हम तो ये पर्सन आईटी देख रहा है, राइट right? uh, ये आई देख रहा है ये एकेडमिक देख रहा है और ये फॉर पब्लिक रिलेशन देख रहा है कि न्यूज़पेपर में क्या छपेगा यूनिवर्सिटी हम यूनिवर्सिटी ही ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलेंगे ताकि आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे ओके okay? तो अब इसे जो ये हेड ऑफ़ दी ऑफिस जो एच है उसको इन पर सुपरवाइज करना मुश्किल आएगा ना अगर यही सारे सिर्फ एकेडमिक के होते सिर्फ प्रोफेसरस ही होते तो शायद होमोजेनस वर्क हो जाता है तो बेटर कंट्रोल कर पाते अब ये आई वाला ऑफिस क्लर्क हो गया फिर इसके बाद से ये जो मान लीजिए सब बाकी स्टाफ हो गया तो इन सब को वराइटी ऑफ फंक्शंस चल रहे हैं वैरायटी ऑफ ऑपरेशन चल रहा है तो ये भी डिपेंड करता है कि जो वो लोग हैं जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक तरीके के काम कर रहे हैं या वराइटी ऑफ ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं सेकेंड है लीडरशिप तो ये जो हेड ऑफ दी ऑफिस हैं जो एच ओडी हैं इनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है मैनेजेरियल क्वालिटीज़ क्या हैं अगर गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो बेटर सुपरवाइज कर पाएंगे तीन क्या पाँच दे दो इनको यहाँ पर और दो लोग खड़े कर दो तो बेटर कर पाओगे अगर पुअर मैनेजेरियल क्वालिटीज़ हैं तो तीन क्या ये एक को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे गेटिंग इट तो सिंपल से लीडरशिप का ये मीनिंग है इसके बाद से सबॉर्डिनेट्स uh, कैपेसिटी तो so, अब ये सबॉर्डिनेट्स की कैपेसिटी क्या है मान लीजिए ये एकदम ट्रेंड हैं एक्सपर्ट हैं इनमें कैलिबर अच्छा है ये फैकल्टीज़ में तो बॉस को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ये ग्राउंड में बेटर हैंडल कर पाएंगे क्लासेस को या एग्ज़ाम कंडक्शन हो या क्लासेस कैसे चलानी है या स्टूडेंट मैनेजमेंट कैसा हो बेटर कर पाएंगे बट अगर ये जो फैकल्टीज़ हैं इनमें कैलिबर नहीं है इन सबॉर्डिनेट की जो कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है ये ऐसे लुंजे पुंजे टाइप के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर जो बॉस होगा जो सुपरवाइज़र होगा जो सीनियर होगा उसको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा एनर्जी एंड रिसोर्स खर्च करने पड़ेंगे इनको यही एक्सप्लेन करने में कि भाई साहब आपको ये काम करना है आपको ये करना है आपको ये काम करना है और इस टाइम तक करना था आपने किया नहीं जल्दी करिए इस टाइप की चीज़ें होंगी तो सबऑर्डिनेट्स की कैपेसिटी भी मैटर करती है देन एज ऑफ एजेंसी तो अगर मान लीजिए हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो नया नया खुला है तो नया नया ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो जो फैकल्टीज आएंगी वो भी उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होगा राइट right. तो उन्हें यहाँ पर जो जो बॉस होगा उसके अंडर में जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो शॉर्ट ही रखा जाएगा ताकि बेटर सुपरवाइज़ कर सके बट फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना है जस्ट लाइक और यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या रहेगा बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है एवरी थिंग इज़ शॉर्टेड एक्सपीरियंस लोग भी हैं इसीलिए ना एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंसड हो कई बार आप इंटरव्यू uh, में जाओ तो वो पूछते हैं ना कितना एक्सपीरियंस है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मांगते हैं कि तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े राइट आप अपना काम पता होना चाहिए और आप अपना काम कर सकें राइट इसलिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है देन लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस तो अगर मान लीजिए अब लोकेशन का यहाँ पे ये यह मतलब है कि एक ही रूफ में काम कर रहे हैं बॉस आपका एंड सब तो बेटर कोऑर्डिनेट आप कर सकते हो सुपरवाइज़ कर सकते हो बट एग्जाम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके जो बॉस हैं जो वीसी हैं वो दिल्ली रह रही हैं और ये जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद रह रहे हैं और जो ये पर्सन है वो कहीं मान लीजिए uh, ये किसी और जगह किसी uh, टाउन में जाकर रह रहे हैं तो फिर कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का तो अगर वो एक ही रूफ में सब दिल्ली पे या इलाहाबाद पे काम कर रहे हैं तो फिर आसान हो जाएगा इनको सुपरवाइज़ करना तो ये हो गए आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होप यू गॉट दी आइडिया कि क्या है तो ये सब फ्लो चार्ट कोशिश करना बनाने की एटलीस्ट ये वाले फ्लो चार्ट तो आप अपने आंसर में बना ही सकते हैं गाइज तो ये ज़रूर बनाना मतलब आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें देन यूनिटी ऑफ कमांड अब यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब होता है कि जो इम्प्लॉयज़ हैं जो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको केवल एक सुपरवाइजर को रिपोर्ट करनी है ओके okay? सो so, अब इस पर भी जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हैं जैसे हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको उन वो सिर्फ एक सुपीरियर uh, एक बॉस को रिपोर्ट कर रहे सो देयर शुड बी ओनली वन सुपर सुपीरियर जिसको एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट कर रहे हों जबकि एफ डब्ल्यू टेलर हैं उनका अलग व्यू है वो कहते हैं कि आप कई सारे पर्सनस को सुपरविज़न होना चाहिए एम्प्लॉयज़ पे राइट तो इट इज़ जस्ट लाइक अगर हम एग्जाम्पल देखें हाँ तो ये एक बॉस है राइट और ये सारे सबॉर्डिनेट हैं और इन सबॉर्डिनेट्स को किसे रिपोर्ट करना है सिर्फ इस बॉस को बॉस ए को राइट right? तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड इसके बाद से दिस इज़ द राइट अप्रोच कि जो ये ए बी एंड सी हैं ये एक पर्सन को इन्हें रिपोर्ट करना है बट फॉर एग्जाम्पल ये ए बी एंड सी इस यहाँ पे दो बॉस हो गए अब तो ए को ए इस पर्सन पर्सन मान लीजिए ये P एंड C तो A को P को भी रिपोर्ट करना है और A को C को भी रिपोर्ट करना है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल राइट तो अब यहाँ पर दो लोगों को यूनिटी ऑफ कमा यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नहीं रहा ना आपको दो लोगों को रिपोर्ट करना पड़ रहा है तो ये आप बताओ राइट अप्रोच कौन रहेगा ये रहेगा या ये रहेगा इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे हम ये जो यूनिवर्सिटी वाला डिस्कस कर रहे थे इसे थोड़ा सा लेते हैं हम लोग हाँ कि यहाँ पर ये वीसी थी हमारी और ये हमारे एच थे हेड ऑफ़ दी डिपारमेंट और ये हमारी फैकल्टी मेंबर्स थी तो अगर ये फैकल्टी मेंबर्स को एच को भी रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ वी को भी रिपोर्ट करना है तो मुश्किल हो जाएगा ना ये चीज़ें फिर यहाँ पर क्या रहेगा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कहीं ना कहीं बट अगर इन फैकल्टी मेम्बर को पता ही है कि मुझे अपने मैं केवल किसके लिए अकाउंटेबल हूँ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उसके लिए बाकी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को पता है वो किसके लिए अकाउंटेबल है वो वीसी के लिए अकाउंटेबल है राइट right? तो इस तरीके से चीज़ें जो यूनिटी ऑफ कमांड में ये रहता है कि जो इम्प्लॉई है रिपोर्ट कर रहा है ओनली वन सुपरवाइजर का जैसे फैकल्टी मेंबर के लिए यहाँ पे सुपरवाइजर कौन हो गया हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के लिए सुपरवाइजर कौन हो गया वीसी हो गई राइट right? तो इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड रहने से इफ़ीसेंसी इंक्रीज होती है इट सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो आ, हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और बार बार पूछे जाते हैं ये तो होप सो कि आज क्रिस्टल क्लैरिटी हुई हुई है आपको और दूसरी चीज़ जो मैंने रिकमेंड की है आपको कि इस तरीके के फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना अपने एग्जाम में जब भी ये चीज़ें आप इन आ, इन टॉपिक्स पर अगर आप आंसर लिख रहे हो अगर एग्ज़ाम में पूछा गया हो और आप इस आंसर को लिख रहे हो तो ज़रूर फ्लो चार्ट बनाना ताकि आ, जो एग्ज़ामिनर रहे या जो मान लो आपकी कॉपी इवालुएट कर रहा है उसको क्लैरिटी आए थोड़ी सी और आप अपने आंसर को बेटर एक्सप्लेन कर पाओ सो प्लीज़ डू इट ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज़ ऑल फॉर टूडे गाइज एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आ रहे हो तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर